दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे देश के मीडिया में एक बड़ा जो मसला, बल्कि सियासत, मीडिया, समाज, हर क्षेत्र में एक बड़ा सा मामला सामने आया है और वो उसको बहुत सारे लोग अर्णब गेट कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अर्णब गोस्वामी जो एक पत्रकार रहे हैं, पहले अभी वो एक मालिक भी है, एक एंकर भी है, एडिटर इन चीफ भी है, बहुत सारे रोल में हैं, तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण आया है इसको हम किस रूप में देखें? क्या ये टीआरपी का केवल मामला है कि टीआरपी के लिए सब खेल चल रहा था, या इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं? दोस्तों जो चीजें सामने उद्घाटित हुई हैं, 3400 पेजेस की ये पूरी की पूरी चार्जशीट है, उसमें 1000 के करीब जो पेज हैं वो इसी तरह की वार्ताओं के हैं जो व्हाट्सएप से लेकर और बहुत जगहों पर जो वार्ताएं चली हैं, खासकर व्हाट्सएप। तो इन वार्ताओं से जो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, जो संवाद हुए हैं दो लोगों, तीन लोगों के बीच में, केवल पार्थो ही नहीं है, पार्थो दास गुप्ता जो पार्ट के CEO रहे हैं, इसमें और भी लोग हैं, इसमें एक मिस्टर रमगढ़िया भी हैं और जिनसे पार्थो बात करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण से जो चीजें उभर कर सामने आती हैं वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें उभर कर सामने आती हैं उनसे यह लगता है कि अपने देश में पूरा जो सिस्टम अपना है वो कानून के हिसाब से, विधान के हिसाब से, लोकतांत्रिक नियम कानून के हिसाब से शायद उसने चलना बंद कर दिया है। वो कुछ लोगों की मर्जी के हिसाब से अपना काम करता है। अगर उनकी मर्जी होती है तो किसी निर्दोष को अपराधी बना दिया जाता है, उसके लिए एनआईए लगा दी जाती है, एनआईए उसको गिरफ्तार करके पुणे में, मुंबई में या कहीं भी भेज देती है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का कोई भारत का बड़ा इंटेलेक्चुअल आथर होता है, दलित समाज से आने वाला प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े जैसा, उसमें गौतम नवलखा जैसा एक ईमानदार पत्रकार होता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता होता है, जिसकी विचारधारा से सत्ता के लोग असहमत हो सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, उसको अपराधी करार दिया जाता है और जबरन एनआईए जो है उस पर जो कार्रवाई करती है और उसको जेल भेज देती है। इसी तरह से असंख्य लोगों का नाम मैं आपको गिना सकता हूं, खासकर आज के दौर में, न जाने कि अब हरियाणा की लड़कियां हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के हैं, बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। दिल्ली के दंगों के दरमियान जो गतिविधियां चली, उसके पहले जामिया मिलिया में जो गतिविधियां चली उसको लेकर, लेकिन ये जो अर्णब गेट जो कांड सामने आया है दोस्तों, उसमें कुछ एक पहलुओं को मैं केवल सामने आपके रखता हूं और मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसको किस रूप में देखते हैं। अब ये जो महाशय हैं वो एक जगह कहते हैं, मैं उनकी अंग्रेजी आपको पढ़ के सुना देता हूं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। अब ये 14 फरवरी 2019 को जो घटना घटी पुलवामा की, जिसमें 40 लोग, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस घटना के बाद तकरीबन 5:43 की शाम का उसी दिन का ये चैट है। इसका क्या मतलब हुआ आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, और उन लोगों पर छोड़ता हूं जो इस देश में सिस्टम को चलाने के जवाबदेह हैं। दूसरा जो मसला है बालाकोट, हम सब जानते हैं उसमें क्या हुआ था। बालाकोट के मामले में 26 फरवरी 2019 को ये घटना है और अर्णब साहब को 23 फरवरी को सब मालूम हो गया, यानी 3 दिन पहले उनको मालूम है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो पार्थो दास गुप्ता से कहते हैं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो कहते हैं क्या दाऊद, यानी उनका इशारा है कि क्या दाऊद को अरेस्टिंग होगी, क्या दाऊद को स्ट्राइक करके बाहर लाया जाएगा, मतलब उनका ये संभावना एक रही है। वो बोलते हैं नहीं, पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा,
कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, नॉर्मल से बड़ा। इसी तरह से आर्टिकल 370 के बारे में उनको पहले से मालूम है, जो बात संसद को नहीं मालूम है, लोग बताते हैं बहुत सारे मंत्रिमंडल के लोगों को भी नहीं मालूम है, वो अर्णव गोस्वामी को मालूम है, वो ये दावा कर रहे हैं। अब ये कोई शेख चिल्ली तो है नहीं, ये कोई शेखी तो नहीं बघार रहे हैं, सचमुच उनको मालूम है, क्योंकि जो तथ्य वो देते हैं और जिस तरह के वो प्रोग्राम पेश कराते हैं अपने चैनल पर, उससे भी लगता है। और यही नहीं, वो ये भी साबित करता है पार्थो दास गुप्ता और उनकी बातचीत कि उनका वाकई बहुत ज्यादा उनकी गहरी पैठ है सिस्टम में और सिस्टम को चलाने वाले दफ्तरों में। वो पीएमओ का नाम लेते हैं, वो एएस का नाम लेते हैं, वो ऐसे बहुत सारे नाम लेते हैं। इन नामों के क्या मतलब है भारत की सियासत में, मीडिया में, सभी जानते हैं। उनको पार्थो दास गुप्ता ये भी कहते हैं कि क्या वो मुझे पीएमओ में एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, और वो पॉजिटिव ढंग की बात करते हैं, ठीक है हम देखेंगे वगैरह। इसी तरह से अर्णव गोस्वामी का एक जो मसला आता है, राज्यवर्धन राठौर जो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में थे, कि किस तरह उनके खिलाफ जो शिकायतें आई थी अर्णव गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ, कैसे उसको डस्टबिन में डाले, ये वो बात कहते हैं, ये भी साबित होता है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात उभर कर सामने आती है कि जो अर्णव गोस्वामी को माना जाता था या माना जाता है अभी भी कि वो मौजूदा यानी बीजेपी जो सत्ता चला रही है, तो जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं या सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी लोग हैं, उनके प्रति उनका भी जो रवैया है, रुख है, अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो वैसा ही होगा जैसा सबका होता है, एक बिरादराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में उनकी जो टिप्पणियां हैं न केवल अपमानजनक हैं बल्कि उनमें विद्वेष भरा हुआ है। अब अरुण जेटली साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके अस्वस्थता के दौरान उनके बारे में निगेटिव ढंग की बात कभी नहीं करता सुना गया, कोई भी नहीं करता। कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी सज्जन आदमी अपने राजनीतिक, अगर आपसे कोई किसी की असहमति है तो उसके बारे में कोई अशोभनीय बात, अशुभ बात नहीं कही जाती। लेकिन ये सज्जन क्या टिप्पणी करते हैं अरुण जेटली के बारे में, वो इस पूरे के पूरे चैट से सामने उभर कर आती है। उनकी जिंदगी को कुछ दिन का बताते हैं, ये बात क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कहनी चाहिए? दूसरी बात, इसमें वो कंगना रनावत, जिनके नाम पर न जाने कितना सारा उन्होंने शो किया होगा और पूरे देश के जो दर्शक हैं, हालांकि केवल उन्होंने नहीं, न जाने कितने चैनलों ने कितने दिन तक चलाया, कितने आईबॉल्स कैच किए, उसकी कोशिश की, लेकिन कंगना रनावत के बारे में जो उनके तरह तरह की बातों को लेकर, खासकर जो फिल्मी दुनिया में बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज रही हैं व्यक्तिगत किस्म की, उनके बारे में ओछी टिप्पणियां करते हैं। और तो और, वो सज्जन प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके अज्ञान के बारे में, उनकी मूर्खता के बारे में, ना जाने क्या क्या बातें कहते हैं। तो ये साबित करता है कि ये जो एरोगेंस है, ये जो अंदर का विद्वेष है, कैसे उभर कर सामने आता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी को जो लोग जानते हैं वो लोग बताते हैं कि अर्णव गोस्वामी ऐसे शुरू से नहीं थे। तो ये जो एक दिमागी तौर पे जो ये बदलाव है सोच में, संवेदना में, एक मनुष्य के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, उसमें जो इतना बड़ा बदलाव है, उसके पीछे कहानी क्या है? क्या सिस्टम का आदमी और सत्ता प्रतिष्ठान में सर्वोच्च जो सिंहासन है उस तरह के लोगों के इर्द गिर्द रहने का क्या ये खामियाजा है?
क्या मतलब है इसका? फिर सत्ता के शीर्ष पर जो लोग हैं, क्या उनके प्रति भी अगर वो किसी अन्य भूमिका में आ जाते हैं, क्या उनके दिन बदल जाते हैं, तो फिर क्या यही रहेगा इनका अप्रोच जो आज है? बड़े सवाल उठते हैं। इसका मतलब कि ये केवल सत्ता, केवल क्लाउट, केवल टीआरपी, केवल पैसा, केवल अपनी हैसियत को बाजार में बरकरार रखने का मामला है। रजत शर्मा, उनका भी जिक्र आया है, और रजत शर्मा को सभी जानते हैं कि वो कितना भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा के करीबी पत्रकार हैं, और इसमें रजत भाई भी नहीं छुपाते अपनी बात, वो भी मानते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से लेकर और बाद में भी जो उनका रहा है, उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों से। लेकिन उनके बारे में भी क्या ही बोलते हैं अर्णव गोस्वामी साहब? तो ये चीजें बहुत गंभीर हैं, और खासकर जो रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ी चीजों का जिस तरह उन्होंने खुलासा किया है अपने चैट में, और अगर एक व्यक्ति से उन्होंने किया होगा जिसका कि प्रमाण अगर महाराष्ट्र की पुलिस, ये किसी विद्वेषी पत्रकार ने नहीं कही है बात, ये किसी उनसे नाराज किसी पत्रकार ने, राइवल कैंप के कथित पत्रकार ने, किसी मैगजीन ने, किसी चैनल ने, किसी अखबार ने ये पर्दाफाश नहीं किया है, ये सिस्टम की एजेंसी ने किया है। और माफ कीजिएगा, सिस्टम महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो, दिल्ली का हो या किसी और स्टेट का है, एजेंसी ला रही है। वो भी अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि वाकई ये चैट सही है। अगर ये गलत होते तो तुरंत अर्णव गोस्वामी का कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता, लेकिन अर्णव गोस्वामी तो जब से ये चीजें आई हैं वो पर्दे से गायब हैं, लगभग वो पर्दे पर भी ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये अपने आप में चीज बताने के लिए काफी है कि मामला बहुत गंभीर है, और रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े, देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, वो ये भी बताती हैं कि हमारे सत्ताधारी किस तरह से देश की सुरक्षा को किस प्रकार लेते हैं। जैसे लगता है उनके लिए खेल है, जैसे लगता है उनके लिए एक कोई मजाक है, जैसे लगता है उनके लिए बस चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा को, संवैधानिक व्यवस्था को और पूरे सिस्टम को कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलाने में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, और एक अजीब तरह की गिरोहबंदी दिखाई देती है मीडिया के कुछ हिस्से को मिलाकर एक प्रोपेगेंडा अपने पक्ष में करने का, जो इस पूरे के पूरे खुलासे से, इस पर्दाफाश से उभर कर सामने आता है। ये बनाना रिपब्लिक जैसी स्थिति है, ये किसी लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं कि बेहद शर्मनाक है। और दोस्तों, बिल्कुल अंत में मैं ये कहूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल इस देश में अनेक सरकारें, मैं सिर्फ आज की सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं इसके पहले की सरकारों के बारे में भी कह रहा हूं, और उसके भी पहले की सरकारों के बारे में कह रहा हूं, जब चाहे तब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दुरुपयोग किया जाता रहा है। 1923 का बना हुआ कानून, जो अंग्रेज बहादुर ने हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों, पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया था, और बहुत बड़े बड़े लेखकों के खिलाफ भी किया था, उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को खत्म नहीं किया गया, और खत्म न करके जारी रखा गया। अभी हाल में हमने देखा एक कंट्रोवर्सी सामने आई एक पत्रकार की गिरफ्तारी की इसी 2020 में, और वो राजीव शर्मा का, अब वो मामला अभी भी चल रहा है विवाद। इसके पहले इफ्तिकार गिलानी के मामले में आया, जो कश्मीर टाइम्स के ब्यूरो चीफ थे दिल्ली में, उनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था 2002 में। लेकिन ये मामला तो, और उन पर क्या आरोप था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना का जो कॉन्वॉय जाता था, उस कॉन्वॉय का उन्होंने ट्रैकिंग किया था, उसको ट्रैक किया था। इसी तरह के आरोप दूसरे पत्रकार पर लगे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें छाप दी बाहर जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो ये क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन नहीं है? जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी को ये सारी जानकारी दी, और जिन लोगों की जानकारी के बाद उन्होंने
पब्लिक में, यानी आम लोगों के बीच से किसी व्यक्ति को ये बता रहे हैं जो एक सीईओ है कंपनी का, उसने ना जाने कितने लोगों को शेयर किया होगा, पता नहीं देश विदेश कहां कहां शेयर किया होगा, वो गिरफ्तार हैं अभी। लेकिन अर्णब गोस्वामी पर्दे से गायब फिलहाल हैं, लेकिन बिल्कुल आबाद हैं, निर्विवाद हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, चाहे उस पर विपक्ष कुछ कहे चाहे प्रतिपक्ष कुछ कहे, कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निर्दोष जो ईमानदार हैं, समझदार हैं, चाहे वो जिस धारा के पत्रकार या लेखक या बुद्धिजीवी हो, उनके ऊपर सत्ता की चाबुक गिरती रहेगी। तो ये दोस्तों लोकतंत्र नहीं है, ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है, लोगों की कुछ लोगों की मर्जी के हिसाब से सब कुछ कराया जा रहा है। और अजीब तरह का एक हम ये देखते हैं कि ये विचित्र स्थिति अपने देश की है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.